हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपने घर पे शाइनर कैसे यूज़ करना है। ये ब्लीच ही होता है, बट शाइनर का काम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंस्टेंट ग्लो देता है हमारे स्किन पे। तो इसे किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अपने स्किन को आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि डस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके स्किन पे। तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांड का क्लींजर यूज़ करना है, क्लींजर लीजिए और पूरे स्किन पे अप्लाई करिए। और पूरे स्किन पे अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज लीजिए क्लींजर से। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने डस्ट को, जितने भी स्किन की गंदगी है, उसको बाहर निकालना है। तो आप सर्कुलर मोशन यूज़ कर सकते हो। सर्कुलर मोशन में स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं आप। या तो अच्छे तरीके से अपने फेस को फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद क्लींजर यूज़ कर लीजिए। अब स्किन को अच्छे तरीके से आपने वाइप आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओलिविया शाइनर ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। ये आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बट ये शाइनर ब्लीच होना चाहिए। शाइनर ब्लीच आपके स्किन पे एक्स्ट्रा ग्लो लाता है, इंस्टेंट ग्लो लाता है। तो जैसे कोई भी फंक्शन हो और आपको चाहिए कि बहुत ही इंस्टेंट ग्लो आ जाए आपके स्किन पे, तो आप शाइनर ब्लीच यूज़ किया करो। अगर यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया है ब्लीच क्रीम, उसमें आपको स्पून मिल जाता है, उसी स्पून से मैंने लिया है, तो उसमें एक्टिवेटर भी रहता है। तो एक्टिवेटर मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ये एक्टिवेटर ज़्यादा डालोगे ये बहुत ख़राबी करेगा फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही हाई पावर का होता है। तो 2 टीस्पून में 2 चिटकी ही हम ये एक्टिवेटर यूज़ करेंगे, मतलब 2 पिंच ऑफ एक्टिवेटर मिक्स करना है आपने। 1:1 रेशियो लेके चलना है, मतलब 2 चम्मच तो 2 चुटकी, इस तरीके से अपना लगा कर चलना है। और ये इसमें बूस्टर भी मिल जाता है, ये बूस्टर को भी सिर्फ 1 ड्रॉप ही लेना है, क्योंकि ये बूस्टर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो याद रखिए, कम लीजिए वो चलेगा, बट ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो अपने स्किन को आपने क्लीन कर लिया है, अब हमें इस पर जल्द से जल्द जल्दी से उसे अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई करना स्टार्ट करना है। और याद रखिए, हेयर पे बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हेयर ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। तो अपने पूरे फेस पे ही आपको अप्लाई करना है, और जहाँ आपको हेयर पे अप्लाई नहीं करना, उस हेयर पे आपको बिल्कुल भी उसे अप्लाई नहीं करना है। तो जिस हेयर को आप चाहते हो कि उसे अपने कलर का चेंज कर दें, मतलब वो गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाए, तो वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा कलर आपका हेयर का आ जाएगा। तो आप इसे अपने पूरे बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप बॉडी पे अप्लाई करो तो आप एक्टिवेटर थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो, बट फेस के लिए एक्टिवेटर आप कम ही लोगे, 1:1 रेशियो में ही लोगे। आप जब बॉडी पे करो तो आप 1:2 रेशियो में भी ले सकते हो एक्टिवेटर को। और जब भी आप इसे ट्राई करो तो आप पहले पैच टेस्ट ज़रूर ले लो कि आपके स्किन पे कोई एलर्जी तो नहीं कर रही, क्योंकि बहुत बार होता है कि ब्लीच लोगों को सूट नहीं करता। तो ब्लीच जब भी करें तो आप ज़रूर पैच टेस्ट ले लें, अपने नेक पे अप्लाई करके देख लें, अपने हैंड पे अप्लाई करके देख लें कि आपको कुछ जलन तो नहीं हो रही। ये इसमें वैसे थोड़ी सी जलन होती है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीटी सा काट रहा है स्किन पे, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उस पे बहुत बड़े बड़े दाने निकल जाएं, तो इसका मतलब वो आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर आपके स्किन जल जाए तो आपको ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसलिए मैं ब्लीच के लिए हमेशा यही बोलती हूँ कि ब्लीच से आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो और शाइन आता है। पर हाँ, आप पेज टेस्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके स्किन पे ब्लीच सूट कर जाए। और ये तो शाइनर है, शाइनर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आप पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कीजिए। अगर सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट अपने पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। तो ये आपके पूरे हेयर को इंस्टेंट गोल्डन में चेंज कर देता है, आपके स्किन टोन से मैच कर देता है, और आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। तो 15 मिनट तक इसे अप्लाई करके रखना है अपने स्किन पे, और उसके बाद आपने वाइप आउट कर लेना है पानी की हेल्प से। तो वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। एंड लास्ट में आपको पोस्ट ब्लीच सीरम यूज़ कर लेना है, जो इसके साथ आपको मिल जाता है।
सो टिल देन बाय बाय।